पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। उनके निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, टाइटन अब हमारे बीच नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। करीब रात 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फार्मिंग आर्ट NCPA के हाल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी ICU में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक हैं, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे। चलिए जानते हैं उनकी शोक पे कि उन्होंने क्या कहा। पहले राष्ट्रपति मुर्मू, भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेटर ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया था। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। वहीं पर राहुल गांधी ने शोक जताते हुए लिखा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरा संवेदनाएं हैं। वहीं पर मुकेश अंबानी ने शोक जताते हुए लिखा, ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। गौतम अडानी ने शोक जताते हुए लिखा, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ और रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वहीं पर आनंद महिंद्रा जी ने शोक जताते हुए लिखा, मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं। सुंदर पिचाई जी ने भी शोक जताते हुए लिखा, रतन टाटा ने पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा आर्डिनरी बिजनेस लीग से छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि रतन टाटा दुनिया भर के फैले टाटा साम्राज्य के सबसे चमकदार रत्न थे। उन्होंने मैनेजमेंट की मॉडर्न तकनीकों को अपनाकर टाटा ग्रुप को दुनिया का भरोसेमंद ब्रांड बनाया। उन्होंने कभी भी टाटा के संस्थापकों के विजन से समझौते नहीं किया। आज जब नैतिकता का स्तर गिर रहा है, उस दौर में भी रतन टाटा व्यक्तिगत स्तर पर मॉरल वैल्यूज को थामे रहे। यही मायनों में रतन टाटा देश के उद्योग का प्रतिनिधित्व करते थे। हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में उनके भरोसे, उत्कृष्टता और नवीनता के मूल्यों को अपनाते हुए प्रयास कर रहे हैं। यही रतन टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।